लखनऊ के कैंट विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। लखनऊ कैंट के लिए समाजवादी पार्टी ने मेजर आशीष चतुर्वेदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कैंट विधानसभा के उपचुनाव में ये जो बाजी है वो किसके हाथ लगेगी, ये तो 21 अक्टूबर को मतदाता जो हैं वो तय करेंगे। लेकिन पार्टी प्रत्याशियों की क्या रणनीति है, इसको लेकर हमारे सहयोगी संजीव सिंह ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां कैंट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या चुनावी समीकरण चल रहा है। सर, सबसे पहले RNITV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह से आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, मैं फौजी हूँ, मेजर आशीष चतुर्वेदी, और फौजी जब भी मैदान में उतरता है वो तैयारी से ही उतरता है। उसका जोश, उसका जज्बा, उसकी तैयारी, और हम लोगों की तैयारी पार्टी के स्तर पे भी और व्यक्तिगत स्तर पे भी बहुत अच्छी है। सर, अगर कैंट विधानसभा की बात करें तो जाति समीकरण को लेकर के क्या ब्राह्मणचार्य को आगे किया गया क्या? नहीं, देखिए, मुझे इसलिए टिकट नहीं दिया गया है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण तो और भी हैं, हमकी पार्टी में भी, हमारी पार्टी में भी और हैं, लेकिन मुझे इसलिए दिया गया क्योंकि मैं देश के जो हमारे सैनिक हैं उनकी आवाज़ बन के आगे सामने आया हूं। और इस जगह जो है हमारी इस विधानसभा में पूर्व सैनिक बहुत हैं, और हम लोगों ने, पूर्व सैनिकों ने अखिलेश जी से ये मांग करी थी कि जो सैनिकों की आवाज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूर्व सैनिक जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं और हमारी 400 सीटों में कोई भी ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो अखिलेश जी ने कहा कि ये मौका, ये अवसर मैं आपको देता हूँ, आप अपने जो पूर्व सैनिक हैं उनकी आवाज़ को सदन में पहुँचाइए, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। ये थे आशीष चतुर्वेदी, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने कैंट विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी उतारा है, और कहीं ना कहीं इनका जो साफ मानना है कि देश की जनता के लिए, जो देश की जो सेना है उनके लिए काम करेंगे, अगर इनको जनता जो है वोट देती है और ये चुनाव जीतते हैं और विधायक बनते हैं तो कहीं ना कहीं कैंट विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद जैब के साथ संजीव सिंह, RNITV लखनऊ।